नमस्कार स्टूडेंट्स, संकल्प सीटी चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आज क्लास के अंदर भारतीय इतिहास के उस क्वेश्चन की जो पिछली बार सीटी के एग्जाम में पूछा गया था। संकल्प कोचिंग सेंटर श्री गंगानगर सीटी के स्पेशल बैच शुरू कर चुका है, जानने के लिए देखिए। जैसे संकल्प जो है, संकल्प कोचिंग सेंटर में सीटी के ऑफलाइन बैचेस शुरू किए जा चुके हैं। कोई स्टूडेंट्स ऑनलाइन जुड़ना चाहता है तो संकल्प सीटी ऐप के अंदर ऑनलाइन आप पूरा कोर्स आपको उपलब्ध रहेगा और संकल्प की सीटी की बेहतरीन बुक्स भी मार्केट में उपलब्ध है। तो स्टूडेंट्स कोचिंग में विजिट करें, संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर में आपका हार्दिक स्वागत है, आइए और बैच से जुड़िए। चलिए बात करते हैं हम भारतीय इतिहास के उस क्वेश्चन की जो पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये भी जहां तक मेरा विचार है, अगर हम बात करें कि इस प्रश्न के बारे में भी जाने तो क्वेश्चन पढ़िए पहले, उसके बाद इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। प्रश्न है, उत्तर देने की कोशिश कीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है, दूर दूर तक नहीं सुना होगा। तो फतवात ए आलमगीर पुस्तक का नाम दे रखा है, मुगल काल की एक पुस्तक है, उठा के पुस्तक का नाम पूछ लिया और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फतवात ए आलमगीरी के लेखक कौन है। जहां तक अगर मैं सिलेबस को गौर से देखूं तो ये आउट ऑफ सिलेबस आपका क्वेश्चन है, क्योंकि मुगल काल नहीं दे रखा था आपके सीटी के सिलेबस में। जो सिर्फ दे रखा था कि आधुनिक भारतीय इतिहास की कुछ घटनाओं को पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन, जैसे हम पिछली क्लास के अंदर बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रश्न, तो मैं पहले ही बता चुका था कि सिंधु घाटी सभ्यता आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, करंट के लिहाज से पूछ लिया वो जायज था, लेकिन ये पुस्तक पूछी गई है थोड़ी समझ से बाहर है कि पेपर में क्यों डाल दी गई, क्योंकि जो ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है इंडियन हिस्ट्री का, वहां पर तो ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है। तो संभवतः ये प्रश्न डिलीट हुआ होगा या बच्चों ने मांग रखी है तो इसको आउट ऑफ सिलेबस मानते हुए काटा भी गया होगा। लेकिन फिर भी हम चर्चा करते हैं कि किस तरीके के प्रश्न उठाए जा रहे हैं, उस एक लेवल को जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मुगल काल के साहित्य का प्रश्न पूछ लिया, जहां हम पेपर में पढ़ा करते हैं ना कि मुगल काल की राजनीति, प्रशासन, कला व साहित्य, तो ये साहित्य से प्रश्न उठाया, एक पुस्तक पूछ ली गई। हाँ, पूछी गई वो बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक थी मुगल काल की, इसलिए पूछी थी कि फतवात आलमगीरी के लेखक कौन है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है जिसमें दे रखा है फिरोज शाह तुगलक को, ईश्वरदास नागर, औरंगजेब और दारासी को। तो चलिए इनकी बात करेंगे तो पुस्तक अपने आप निकलेगी। तो पहले तो बता दे, इसमें से एक तो लेखक है, बाकी सारे क्या थे, सुल्तान या बादशाह रहे थे। तो जैसे बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तो सल्तनत काल का एक प्रसिद्ध सुल्तान रहा था, ये तो सल्तनत काल का एक प्रसिद्ध सुल्तान था, उसका नाम उठा करके दे दिया गया कि फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक, ये वही फिरोज शाह तुगलक है जो आपने सुन रखा है, ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लागू किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और फिरोज शाह तुगलक की पुस्तक का नाम थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन उसके तो नाम से ही पता चल रहा है, वो है फतुहात। फिरोज शाह तुगलक की पुस्तक है, वो फिरोज शाह तुगलक की पुस्तक है फतुहात ए फिरोजशाही, उस पुस्तक का नाम क्या है, फतवात ए फिरोजशाही। तो फिरोज तुगलक की पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है, फतवात ए फिरोजशाही। ये तो सल्तनत काल की पुस्तक है और पूछी मुगल काल की पुस्तक को है। अगर हम बात करें जैसे दारा सिको को लघु अकबर या दूसरा अकबर कहा जाता है। दारा सिको तो मुगल काल में था और प्रसिद्ध बादशाह शाहजहां का पुत्र था, औरंगजेब का बड़ा भाई था। तो दारा सिको ने मजम उल बहरीन लिखी थी, एक पुस्तक लिखी, उसकी पुस्तक का नाम क्या है, मजम उल बहरीन, यानी कि दो समुद्रों का संगम। दारा सिको को लघु अकबर कहा जाता है। दारा सिको ने 52 उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया, जो सिर्रे अकबर था। इसकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसमें प्रसिद्ध रचना है मजम उल बहरीन, फिरोज शाह तुगलक की रचना है फतवात ए फिरोजशाही। बात करते हैं औरंगजेब के काल में बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे गए थे। अगर मैं उन ग्रंथों की बात करूं तो जैसे फिरोज शाह तुगलक तो सल्तनत काल का था, लेकिन वही बात कर रहे थे कि औरंगजेब के काल में या औरंगजेब के बाद एक ग्रंथ लिखा ईश्वरदास नागर ने। ईश्वरदास नागर का प्रसिद्ध ग्रंथ रहा था, कौन सा रहा था, फतवात ए आलमगीरी, यानी कि एक अच्छी पुस्तक है मुगल काल की पूछ ली गई थी ईश्वरदास नागर ने। औरंगजेब के समय एक ग्रंथ लिखा, कौन सा, फतवात ए आलमगीरी, और यही आपके पेपर में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था वो क्या था, 2 नंबर था, बै था, यानी कि बी था। ईश्वरदास नागर ने फतवात ए आलमगीरी एक पुस्तक लिखी थी। चलिए इस पुस्तक की कुछ विशेषता थी उसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे पुस्तक है फतवात ए
फतवा ते आलमगिरी, फतवा ते आलमगिरी मुगल काल की एक प्रसिद्ध पुस्तक रही थी, औरंगजेब के काल की पुस्तक थी। किस बादशाह के काल की थी? औरंगजेब के काल की पुस्तक थी, औरंगजेब के काल की पुस्तक थी। फतवाते आलमगिरी के अंदर मालवा, मालवा जो प्रदेश है मध्य प्रदेश में, मालवा वह जो राजपुताना, राजपुताना मतलब राजस्थान। तो यानी कि इस पुस्तक के अंदर, फतवाते आलमगिरी पुस्तक के अंदर मालवा वह राजपुताना के अंदर औरंगजेब का योगदान क्या था, संबंध कैसे थे, उस पर यह ग्रंथ प्रकाश डालता है, उस पर यह ग्रंथ प्रकाश डालता है। साथ के साथ ही साथ औरंगजेब, औरंगजेब वह मारवाड़ के राठौड़ों का संबंध कैसा रहा था, औरंगजेब वह मारवाड़ के राठौड़ों का संबंध कैसा रहा था, इस संबंध पर भी प्रकाश डालती है एक प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम क्या है, फतवाते आलमगिरी। तो परीक्षा में पूछा गया था फतवाते आलमगिरी का लेखक कौन था, तो लेखक कौन था, ईश्वरदास नागर था। कौन था? ईश्वरदास नागर। फतवाते आलमगिरी का लेखक कौन था? ईश्वरदास नागर था। औरंगजेब के काल की लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है, ईश्वरदास नागर ने इसकी रचना की थी। ये प्रश्न इस तरीके से सीएटी में उठाए जा रहे हैं, इसलिए हम सीएटी के एग्जाम को हल्का नहीं ले सकते। ध्यान रखना, सीएटी अगर पास नहीं हुई तो मुख्य परीक्षा भी नहीं दे सकते। जब मैंने इन भारतीय इतिहास के प्रश्नों को देखा तो वास्तव में स्तरीय प्रश्न उठाए गए। कितने प्रश्नों की हमने चर्चा की, आपने आमतौर पर उनको बहुत कम सुना होगा। तो ऐसी एक खतरनाक पुस्तक पूछी गई थी, फतवाते आलमगिरी के लेखक कौन थे, तो कौन थे, ईश्वरदास नागर थे, जिसके अंदर मालवा राजपुताना में औरंगजेब की नीतियां कैसी रही थी, मारवाड़ के राठौड़ यानी कि मारवाड़ के राठौड़ों का औरंगजेब के साथ संबंध कैसा था, इस पर यह पुस्तक प्रकाश डालती थी। तो ऐसे ही एक प्रश्न के साथ मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।